So tuple is a third type of data type. It is a sequential data type. ठीक है, तो अभी तक जो हमने sequential data types किए हैं, हमने string discuss की, list discuss की. Now tuple is third one. Why these are called sequential? First is tuple defined with the help of braces. Here we will give the different values. Separator will be comma, and it may be a collection of. यहाँ पे string भी दे सकते हैं. We can give float value. We can also declare a list inside a tuple. ठीक है? Tuple में हम list भी दे सकते हैं. List में हम tuple भी दे सकते हैं. So just this is a collection of elements. Clear? Now tuple, just like a list and a string, tuple has two type of indexing. ठीक है, first element की index कौन सा होगा? 0, then 1. That's why sequential है, कि sequence में है. Okay, and if I display in square bracket 0, kya answer aayega? 12. Agar main mere paas t1 34, t2 58, t3 और अगर उसके साथ मैं यहाँ पे दे दूँ 0, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है. ठीक है, इन द सेम वे t4 45.99, t5 1233, और अगर मैं यहाँ पे t5 0 दे दूं 12 और 1 दे दूं 32, तो इट इज 100% सिमिलर टू द लिस्ट. So here is also inductive indexing. ठीक है, ये आपके पास है -1, ये बेटा लिस्ट के, ये उसका मेंबर है टपल का. टपल तो ये है ना, तो टपल के अंदर लिस्ट भी हो सकती है, टपल भी हो सकता है. हाँ, वो स्केल में. दिस इज -1, दिस इज -2, हियर इज -3, here is -4, here is -5, here is -6. Clear? तो अब हमारे पास है, लिस्ट में हमने एक डिस्कस किया था स्लाइसिंग. ठीक है, स्लाइसिंग मीन्स not a complete list or tuple, a part of tuple. Okay, that is called slicing. Slicing name, take the name of tuple, use square bracket, starting. Okay, starting leni hai. Starting, suppose I want to start from 1, colon, ending. Ending se ek step hamesha piche rehna hai. If ending is 5, तो कहां तक होगा? 4. Now after that, gap कितना चाहिए आपको? By default 1 का gap होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 like. ठीक है? Now here it is 1, 3, 5. So slicing is same. So we will do in a practical. ये मैं आपको करके दिखाऊंगा. Operators are same. We can use two operator. One is plus sign for concatenation. दोनों टप्पल होंगी तभी ऐड होंगी. अगर एक टप्पल है, एक लिस्ट है, ऐड नहीं होगा. और सेकंड इज मल्टीप्लाई एंड दिस विल रेप्लीकेट. फॉर एग्जांपल, इफ आई यूज हियर टी इनटू 2, तो ये फर्स्ट टाइम ये रिपीट हो गए, सेकंड टाइम एक बार फिर रेप्लीकेट हो जाएगा. कंसेप्ट क्लियर? आपकी क्लास में से काफी स्टूडेंट ने रेप्लीकेट में किया, ऐसे किया.
12 into 2 हो गया 24, 68, so इसको मल्टीप्लाई कर दिए, दैट इज रॉन्ग, ठीक है, एलिमेंट्स मल्टीप्लाई नहीं होंगे, आपकी लिस्ट है या टपल है वो रेप्लिकेट हो जाएगा, एनी डाउट इन दिस? नाउ द मेन डिफरेंस, मेन देयर आर सिमिलैरिटीज बहुत है इसमें, वी यूज स्लाइसिंग, टपल वी आर यूज स्लाइसिंग, इन लिस्ट देयर आर टू ऑपरेटर्स, ठीक है, अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स इनटू और प्लस, सेम वी आर यूजिंग इन द टपल एंड दिस बोथ, ठीक है, both are sequence, indexing is same, but differences are in list we use square bracket, but here we are using braces. List is a mutable in nature, but tuple is immutable. Now, how to check whether it is mutable or immutable? ये देखिए बताओ. एक मैंने tuple ले लिया t in braces. I am taking 10, 20. Okay, students. I want to change the value of t 0. List में अगर होता तो ये change हो जाता, ठीक है? मैं यहाँ पे same list बना रहा हूँ, एक list भी बना रहा हूँ. L. मैं same values ले ली मैंने. दोनों में मैं चेंज करके बताऊंगा कि इसमें चेंज हो रहा है और इसमें नहीं हो रहा, ठीक है, एक मेरे पास लिस्ट है और एक मेरे पास टप्पल है. सो टी, हियर इज अ टप्पल, आई एम गोइंग टू चेंज द वैल्यू ऑफ ए टी जीरो इज इक्वल टू इन प्लेस ऑफ 10, 15, एरर इज देयर कि टप्पल में आप वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, एलिमेंट्स की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, इट इज immutable in nature, but in the case of list, if I am going to change the value of L0 is 15, accepted. Okay, so it is mutable. So list mutable hai, tuple immutable in nature. This is the big difference between tuple and list. Now अब यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चन स्लाइसिंग के गलत हैं, ठीक है, स्लाइसिंग के क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे. अगर हमने टप्पल को रिवर्स में डिस्प्ले करवाना है, यस एनीबॉडी, इफ यू वांट टू डिस्प्ले द टप्पल और लिस्ट इन रिवर्स ऑर्डर, स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलन कॉलन माइनस वन, ये लिस्ट है, अगर आप टप्पल यूज करोगे सेम पे कॉलन कॉलन माइनस. Clear? Now, tuple is t. Here I am using here t into 2. First time, ठीक है, second time, replicate हो गया, repeat हो गया. And if I am using here t, is a tuple, t plus. तो नेक्स्ट भी मैंने टप्पल ले लिया, वी आर एडिंग मींस कंकैटिनेटिंग, ठीक है, मैं कनेक्ट ऐड कर रहा हूं, कंकैटिनेट कर रहा हूं, दोनों को ज्वाइन कर रहा हूं, ठीक है, तो ये फर्स्ट लिस्ट टी आ गई, सेकंड इज जो मैंने वैल्यू दी हुई थी. एनी डाउट इन दिस? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम फंक्शंस एंड मेथड, वेरी लिमिटेड मेथड, because in the list in tuple or list main difference is mutable and immutable, so this is a mutable, so many methods are there, insert karne ke, delete karne ke, pop method is there, insert method is there, then clear method, append method, extend method, so many methods are there, but this is very limited in the case of tuple. So pehle hum kar rahe hain functions, functions are same, ye dekhiye beta, हमने लिस्ट में एक फंक्शन किया था सम, पर सिमर टेल मी डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एंड मेथड, मेथड में डिफरेंस क्या है, बातें करने में बहुत है. देखिए अगर
when we take function name और inside आप list या tuple का name ले लेते हो, ये function है, ठीक है, function में function name in bracket parameter, ठीक है, ये function है. Min तो minimum value बताएगा, but provided there is one thing that is compulsory, all the element must be yes number. कहीं भी अगर आपने कोई टेक्स वैल्यू ले ली, स्ट्रिंग वैल्यू, एरर आएगी. देन मैक्स, ठीक है, लेंथ. सो दीज आर फोर फंक्शंस, सम, मिन, मैक्स, लेंथ. अप्लाई दीज, ठीक है, जल्दी से अप्लाई करते रहते. ये उसके पीसी में आ रहा है, आपको पीसी, आपको तो नॉकी कंप्यूटर में आइए methods. A methods first use tuple name. Tuple name is t dot. Method measure tuple name या list name, उसके बाद dot आपके नीचे. After that method name. Suppose one method is index. ठीक है? Index of 30.
इट विल टेल टू इंडेक्स ऑफ 30 इज 2 बेटा, देखिए बेटा, सो फर्स्ट मेथड इज इंडेक्स, तो हमने क्या करना है, नेम ऑफ द टपल डॉट इंडेक्स, हियर इज द वैल्यू, तो ये बताएगा कि 30 मैंने दे दिया कि 30 का इंडेक्स कौन सा है, तो 30 का इंडेक्स 2 आया, 0 1 2, तो फर्स्ट मेथड इज इंडेक्स, तो अप्लाई दिस, ओके ये क्लियर बेटा, विदाउट प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल तो कर लो, बस कर लिया आपने, कर लिया आपने कि नहीं, दोनों ने, हाँ पूरी प्रैक्टिकल। नेक्स्ट इज काउंट, आई गिव यू अ काउंट 40, आंसर इज वन टाइम, क्या काउंट कितनी बार रिपीट हुआ, ठीक है, देखो बेटा 40 इज हियर ओनली सिंगल टाइम, इफ आई एम यूजिंग 42 टाइम्स, अगर लिस्ट में 4 टाइम आपके पास 40 होता तो आंसर 2 आता, कितनी बार रिपीट होता, हाउ मेनी टाइम सेम वैल्यू इज रिपीटेड इन द टपल, क्लियर हो गया, सो फर्स्ट इज इंडेक्स, अनदर इज काउंट, थर्ड, अब ये देखो बेटा टप्पल में हम हमने लिस्ट में एक मेथड किया था सॉर्ट, तो लिस्ट को सॉर्ट कर देता है, पर हम यहाँ पे सॉर्ट तो लगा नहीं सकते, रीजन इज रीअरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ टप्पल, तो हम सॉर्टेड मेथड कर सकते हैं, इन लिस्ट हमने जो सॉर्टेड मेथड अप्लाई किया था तो हमने डेटा किसी और लिस्ट में कॉपी किया था, इन द सेम वे आई एम टेकिंग योर टी वन इन अदर योर टपल इक्वल टू देयर इज अब अप्लाई करके देखते हैं बेटा सॉर्टेड का, यहाँ पे वन डॉट सॉर्टेड, नहीं हो गया बेटा, ऐसे लेना बेटा ब्रैकेट में, ये फंक्शन है बेटा, ये फंक्शन है, टी वन इज इक्वल टू सॉर्टेड इन ब्रैकेट टेक टी, टी में हमारे पास वैल्यू कौन सी थी बेटा, 10 से लेके 80.9 तक, ठीक है, अब इसने उसको सॉर्ट, ऑलरेडी ये सॉर्टेड है, ठीक है, तो ये सॉर्टेड करके किसमें सेव कर देगा, टी वन, नाउ इफ आई एम डिस्प्लेइंग टी वन इट इज इन ए सॉर्टेड फॉर्म, एंड रिमेंबर इफ वी वांट टू अप्लाई द सॉर्टिंग इन रिवर्स ऑर्डर, तो टी टू इज इक्वल टू सॉर्टेड टी फॉर्म, यस क्या लिखेंगे यहाँ पे, रिवर्स इक्वल टू ट्रू, you display T2 ne send it only these methods three methods not a this is not a function this is a function method kaun se ho gaye ek aapke paas tha index tha ek count tha baki sare ke sare functions hain min max sum length and top apply this quickly apply these Yes, sir.
देखो आपके पास इसका मतलब ये यस वेरी इम्पोर्टेंट है ये देखो बेटा सॉर्टिंग करके जो हमारे पास आंसर आ रहा है स्क्वायर ब्रैकेट में आ रहा है आपके पास आंसर तो इसका मतलब ये जो आपके पास ई टू है दैट इज ए स्टूडेंट्स हिंदी पे भी